हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांब्री शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम एंटी एनेट होम साइज जून 2020 के लिए न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगे। सो लेट स्टार्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? तो मेन पर्पस जो होता है इस चीज़ को पढ़ने का, ये इसलिए होता है कि ताकि हम इसको जान सके और अंडरस्टैंड कर सके बेटर। 7 टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। डेवलपमेंट जर्नल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज की तरफ जाता है, ये प्रोसीड करता है डिफरेंट रेट्स पे, और हर फेज ऑफ डेवलपमेंट के अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में, और चाइल्ड डेवलप करता है कम्प्लीटली। इनको और एलेबोरेटेड तरीके से आज समझेंगे हम। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस। जो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि जिस टाइम पे कंसेप्शन होता है टिल डेथ तक डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस चलता ही रहता है। ये भी दिखाता है, ये कभी कभी स्लो हो जाता है, कभी कभी ये इसका स्पीड अप हाई हो जाता है, और लेकिन ये कभी भी रुकता नहीं है। ये आराम से चल सकता है या जल्दी में चल सकता है, कि कुछ एज पे हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो कम होती है, लेकिन कुछ एज पे हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि अगर आपके बेबी के टीथ हैं तो वो ओवरनाइट ग्रो नहीं करते, ठीक है, उसको भी डेवलप होने में टाइम लगता है। इसी तरह से जो 5th मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसके बाद ही हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो होनी स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। डेवलपमेंट कभी भी अकेले नहीं चलता, ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलता है। जैसे जर्नली ये सेम होता है हर एक बच्चे के लिए, ये नहीं होता कि ये सीक्वेंस की किसी की पहले बॉडी पार्ट्स ग्रो होंगे फिर उनका हेड ग्रो होगा, इस तरह से नहीं होता। पहले हेड पार्ट ग्रो होता है और उसके बाद ही बाकी के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये जिस सीक्वेंस में चला आ रहा है उसी सीक्वेंस में चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि बच्चा सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना सीखता है, उसके बाद ही वो स्क्वायर बनाता है। तो जब हम इसके सिक्वेंशियल ऑर्डर की बात करते हैं तो दो डायरेक्शन में हमारी डेवलपमेंट होती है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, पहली है हमारी वो है सिफेलो कॉडल और दूसरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो सिफेलो कॉडल के अंदर क्या होती है, ये एक इस तरह की डेवलपमेंट होती है जिसमें जो बच्चे का अपर पोर्शन है वो पहले ग्रो करता है और उसके बाद फिर लोअर पोर्शन हमारी बॉडी का डेवलप करता है, जैसे कि हेड टू टो चलता है। और प्रॉक्सिमोडोस्टल में डेवलपमेंट के अंदर वो नियर से फार तक चलता है, सेंटर से पेरिफ्रल की तरह चलता है। अगर हम इसका भी एग्जांपल लें तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चा जो अपने आर्म्स को पहले यूज़ करता है, उसके बाद अपने हैंड्स को यूज़ करना सीखता है, और उसके बाद अपनी फिंगर्स को यूज़ करना सीखता है। तो ये एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेबीज, अब जैसे कि बेबीज होते हैं वो क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं तो वो अपने हाथ को आर्म को हिलाते हैं सिर्फ। उनको ये पता है कि ये एक प्रोसेस है कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो पर्टिकुलरली किस वजह से अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं। लेकिन बाद में जैसे ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो हाइड हो रहा है डोर के पीछे, तो वो एक पर्पजफुल उसने वो हाइड कर रहा है खुद को। तो ये एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो गया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट। कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग रेट्स पे ग्रोथ होती है। जब बच्चा ग्रो करता है तो हर एरिया डेवलपमेंट का एक अपने रेट पे और अपनी ही तरह की मैच्योरिटी, जो उस पीरियड में उसको मैच्योर होना चाहिए उसकी तरह ग्रो करता है। जैसे कि हार्ट, लीवर, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स स्लोली ग्रो करते हैं चाइल्डहुड में, लेकिन जब वो बड़े एडोलेसेंस एज पे पहुंच जाते हैं तो रैपिडली ग्रो करते हैं। इसी के साथ हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब बच्चा होता है छोटा तो वो एब्स्ट्रैक्ट और थियोरेटिकल मैटर को बाद में समझ पाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, कलर क्या है, इन सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं इनको पहले समझ लेता है।
नेक्स्ट है हमारा, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज करेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स, जैसे कि ह्यूमन लाइफ के अंदर ये जो जितने भी हमारे पीरियड्स हैं ये अलग अलग लाइफ स्पैन में डिवाइड है। हर एक स्टेज की अपनी लिमिटेशंस होती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती है, अपनी एडजस्टमेंट होती है। कई समटाइम्स कोई भी एक मेथड सुटेबल होता है किसी एक एज ग्रुप के लिए, लेकिन वो दूसरे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो हमें, हम जब डेवलपमेंट के पैटर्न को देखते हैं, अलग अलग एज ग्रुप हमें ये बताता है कि क्या हमें अपने बच्चे से एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या हमें पता होना चाहिए कि उस एज में इतनी ही डेवलपमेंट होगी, इस चीज़ की हमें प्रायर नॉलेज होनी चाहिए बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स। नेक्स्ट, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। अब जैसे कि हम ये नहीं सोच सकते कि हर एक बिहेवियर बच्चे का सेम हो एक ही एज ग्रुप के। स्कूल्स में या पीयर ग्रुप में आप देखते हैं कि इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सबका बिहेवियर, सबकी डेवलपमेंट, सबकी ग्रोथ डिफरेंट होती है। कुछ अगर हम एग्जांपल ले हाइट के लिए, तो कुछ 6 फीट तक लंबे चले जाते हैं, कुछ 5 फीट रहते हैं, और कोई 5.5, 4.25, कितना इतना रहते हैं। तो जितनी भी हमारी ग्रोथ होती है वो सेम एज ग्रुप की भी डिफरेंट हो सकती है। ये उसके एनवायरनमेंट पे, उसके जीन्स पे, पीयर ग्रुप के पे, इन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल। इसका मतलब है कि चाहे बच्चा खेल रहा हो घर के अंदर या घर के बाहर, पढ़ रहा हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहा हो, किसी बड़े से बात कर रहा हो, हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा टोटली ही इन्वॉल्व्ड है। मतलब कि जब वो किसी भी एक वर्क के अंदर इन्वॉल्व है, तब उसका फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल डेवलपमेंट, सब चीज़ें एक साथ ही काम कर रही है। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक टाइम पे फिजिकली वर्क कर रहा है, वो उस टाइम पे मेंटली सोच भी रहा है, कहीं सुन भी रहा है, अपने हाथ को भी यूज़ कर रहा है, इमोशंस भी हैं उसके और उसकी मोरल डेवलपमेंट भी है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारा डेवलपमेंट कराता है। सो ये थे हमारे 7 डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए KMS फैशन को। टिल देन, गुड।